सबको जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं पिता यीशु। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमसे प्यार करते हैं और आपने अपने प्यार को अपने बलिदान के द्वारा हम पर प्रकट किया प्रभु यीशु। और जो कोई आपके नाम पर और आपके बलिदान पर विश्वास करता है पिता यीशु, उसने अनंत जीवन को पा लिया है पिता यीशु। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज वो हर जन जो आपके सामने उपस्थित है पिता परमेश्वर, इस दोपहर की प्रार्थना में आपके सामने उपस्थित है पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद पिता कि तू हमारे साथ है पिता परमेश्वर, और तेरी हजूरी हमारे बीच है पिता परमेश्वर। हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। एक एक जन प्रभु तुझे अपने जीवन में महसूस कर रहा है पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा, तेरे सत्य का आत्मा जो तूने हमें दिया है पिता यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता इस आत्मा के लिए पिता परमेश्वर, कि जो हमारी हिफाजत करता है, हमारी रक्षा करता है पिता यीशु, हमें गाइड करता है, हमारी हेल्प करता है, हमारा हेल्पर है पिता यीशु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर यीशु, उस आत्मा के लिए, हमारे सहायक के लिए, हमारे हेल्पर के लिए पिता परमेश्वर। मैं आपका नाम का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, हमें रात भर सुबह संभाल कर रखा पिता परमेश्वर। मैं आपके नाम का धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। और आज का नया दिन हमने आपकी दया से, आपकी करुणा से देखा है पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम की तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस दिन के होने वाले एक एक काम को, एक एक पल को पिता परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। जैसे आपकी मर्जी हो पिता, हमें चलाएं आप पिता परमेश्वर। आज के दिन हम आपके मिरेकल को, आपके कार्य को अपने जीवन में, अपने चमत्कार को देख पाए पिता परमेश्वर। आप हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार करें पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, तेरी सुरक्षा हमारे साथ है पिता परमेश्वर। तेरे स्वर्गदूत पिता हाथों हाथ हमारी रक्षा करते हैं पिता परमेश्वर। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता कि आज के दिन हम आपके ज्ञान बुद्धि को अपने जीवन में चाहते हैं पिता परमेश्वर। हमें अपनी समझ दीजिए पिता, हमें अपना ज्ञान दीजिए पिता। आज के दिन हम आपके सपोर्ट को चाहते हैं, आपके फेवर को चाहते हैं अपनी जिंदगी में। और पिता हम आपके लिए वो काम करें जिससे आपके राज्य में बढ़ोतरी हो पिता परमेश्वर। हम आपके राज्य के लिए पिता परमेश्वर अपना बेस्ट दे सकें पिता परमेश्वर। हमें इतनी शक्ति देना पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने अपने अनुग्रह से हमको चलाया है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जब आपके लोग गरीबी में, समस्या में और भी बहुत सारे स्ट्रगल फेस कर रहे होते हैं पिता, ऐसे समय में परमेश्वर आप एक सही और उत्तम इंतजाम उनकी जिंदगी में देते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आज के दिन जो आपके लोग पिता परमेश्वर ऐसी सिचुएशन में हैं, जिन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, कि क्या इनके जीवन में होगा, कि कब इनकी मैरिज होगी, क्या सही लाइफ पार्टनर मिल पाएगा, कब इनकी मैरिज होगी, और भी बहुत से सवाल प्रभु इनके मन में चल रहे हैं पिता। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ सही व्यक्ति को, सही लाइफ पार्टनर को आप इनकी जिंदगी में भेजें पिता परमेश्वर। प्रभु जब ये बहुत ज्यादा निराश हो गए हैं, बहुत ज्यादा अकेले पड़ गए हैं पिता परमेश्वर, कोई भी साथ देने वाला नहीं है, सब ने साथ छोड़ दिया है पिता परमेश्वर, परंतु पिता परमेश्वर तूने एक बेहतर इंतजाम को और तूने एक राइट पर्सन को इनकी जिंदगी में देने के लिए एक सही समय नियुक्त किया है पिता परमेश्वर। मैं इस बात के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। तेरी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। हालेलुया 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 हालेलुया। सामर्थ्य पिता परमेश्वर तेरा नाम का धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रभु यीशु अच्छा जीवन साथी आप इन्हें देने जा रहे हैं, मैं इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता। एक अच्छी प्लेस, एक अच्छा घर आप इन्हें देने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। एक अच्छा साथी, एक अच्छा गाइडर आप इन्हें देने जा रहे हैं पिता।
आप हर एक अच्छा इंतजाम इनकी जिंदगी में करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। आज तेरे लोग रिसीव करने पाए पिता परमेश्वर, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ पिता। प्रार्थना करते हैं पिता, आज जितने भी लोग प्रार्थना कर रहे हैं अपने घर को बनाने के लिए पिता परमेश्वर, जमीन को लेने के लिए और भी बहुत सारी बातों के लिए पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से उनके सब काम सफल हो। आज जहां कहीं तेरे लोग जाएं पिता परमेश्वर, उनका काम सफल हो पिता परमेश्वर, उनकी योजनाएं सफल हो। हर प्रकार की मार्ग की रुकावटों को यीशु नाम से हम कैंसिल करते हैं। हर प्रकार के दुष्ट के कार्य को इनकी जिंदगी से दूर करते हैं पिता। और मैं चाहता हूँ पिता परमेश्वर, आपका एक बेहतर इंतजाम इनकी जिंदगी में पूरा हो पिता परमेश्वर। काफी लंबे समय से पिता परमेश्वर इनकी जिंदगी में बहुत से काम हैं जो सफल नहीं हो पा रहे हैं पिता, यीशु के नाम से आज से वो काम बनने लगे पिता। धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर, पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर जो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं एग्जाम के लिए, किसी काम के लिए पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर सरकारी कामों के लिए पिता, इन्होंने बहुत से एग्जाम दिए हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से इनके कामों को आज सफल करें आप पिता परमेश्वर। जो बहुत से काम पिता परमेश्वर इनकी जिंदगी में रुके हैं पिता परमेश्वर, आप इन कार्यों को आज पूरा करें पिता परमेश्वर, ताकि ये तेरी महिमा को देख पाए पिता परमेश्वर, तेरे लोग तेरी महिमा को करने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर इनके रुके काम पिता परमेश्वर हैं जो, उनके लिए रास्ते खुल जाए पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जितने भी लोग आज बीमार हैं पिता, वो अपने सिरों पर हाथ रखें, उस दर्द पर, उस घाव पर, जहां जहां आपको तकलीफ है आप अपने हाथ रखिए उस जगह पर। और यदि आपके घर में कोई बीमार है उसके सर पर आप हाथ रखिए। प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग बीमार हैं वो चंगे हो जाएं पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर, जब तुम बीमारों के सर पर हाथ रखोगे वो चंगे होंगे। पिता परमेश्वर तेरी सामर्थ, तेरी चंगाई की सामर्थ इनके जीवनों में बहने लगे, इनके शरीर में बहने लगे पिता परमेश्वर। पिता हर एक बीमारी, हर एक एलर्जी, हर एक चोट, हर एक जानलेवा बीमारी इनके जीवनों से नष्ट हो पिता परमेश्वर, यीशु के सामर्थी नाम में ये चंगे हो चुके हैं पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि आपने बीमारों को चंगा कर दिया है, बुजुर्ग चंगे हो गए हैं, बच्चे चंगे हो गए हैं और नौजवान चंगे हो चुके हैं पिता। हर एक बीमारी, हर एक दुर्बलता, हर एक कमजोरी से ये चंगे हो चुके हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता यीशु हर एक नौजवान, हर एक बीमार तेरे कोड़े खाने के द्वारा चंगा हो चुका है प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, जो देख नहीं सकते इस समय उनकी आंखें खुल गई हैं प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में, जो सुन नहीं सकते पिता वो सुनने लगे हैं, जो चल नहीं सकते पिता वो चलने लगे हैं प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। धन्यवाद पिता इन कामों के लिए आपका हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु आज हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जितने लोग आज कर्जे में हैं पिता परमेश्वर, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा लोन है उनके ऊपर पिता, और भी बहुत सी जरूरतें हैं पिता जो इनकी पूरी नहीं हो पा रही। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता कि आपने इनका इंतजाम कर दिया है पिता परमेश्वर, मैं आपके नाम का धन्यवाद करता हूँ, आपने इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर कर दिया है पिता, आपने इनका बेहतर इंतजाम कर दिया है पिता परमेश्वर, मैं आपके नाम का धन्यवाद करता हूँ पिता। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जितने लोगों ने आज इस प्रार्थना को सुना है पिता, वो आपके कामों को, आपके चिन्ह चमत्कारों को अपनी जिंदगी में देखने पाए पिता परमेश्वर, आपकी आशीष को ग्रहण कर पाए पिता परमेश्वर, आप हर एक प्रार्थना का उत्तर दोगे पिता परमेश्वर। मैं इस सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मांग लेता हूँ, आमीन।